अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि आज बहुत सारा काम करना था और समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं, किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो बस जो फ्राइड राइस और आलू वगैरह मैंने बनाए थे उसके ऊपर थोड़ी सी बनाई है। बाकी मैं सारी रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और उसमें से आप देख लीजिएगा। आलू की रेसिपी मैं अलग से बनाऊंगी तो फिर दोबारा मैं आपको लिख के दूंगी। अभी मैंने सिर्फ फ्राइड राइस की लिख के दी है आपको। यहाँ पर प्याज थी मेरे पास, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की फ्रेंड हैं, उन्होंने अपने स्टोर से ला के दी थी। ऐसे कटी हुई प्याज बहुत सारी थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको ब्राउन करके रख दूँ वरना ये फिर ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस की, और ये रेसिपी मेरी जो है वो आ गई है लिखी हुई। आप इसको ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ये झटपट सी है, कभी दिल चाह रहा होता है कुछ बनाने का और आपके पास लिमिटेड चीज़ें हों तो आप इस तरह से फ्राइड राइस बना सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हो। यहाँ पे मैं प्याज के ऊपर जो है वो नमक इसलिए छिड़क रही थी क्योंकि एक टिप है, अगर आपको प्याज जल्दी ब्राउन करनी हो और प्याज का कलर ख़राब ना हो ना टेस्ट ख़राब हो तो आप उसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क दें तो वो बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाती है और जल्दी हो जाती है। इंशाल्लाह आगे और वीडियोस बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ टाइम निकालना बड़ा टफ हो जाता है, बट कोशिश करती हूँ कि जो हो सकता है करूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। यहाँ पे मैंने जो है वो वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर, उसके अंदर क्यूब्स डाल दिए थे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिसॉल्व करने रख दिया था। फिर सिट्रॉन पेपर, ये मिलता है, ये हर जगह मिल जाएगा आराम से आपको, ये डालकर और जो मैंने चावल भिगो के रखे थे उनको हल्का सा ड्रेन किया और उसके बाद उनको शामिल करके 1.5 कप पानी डाल के उसको जो है वो पका लिया था चावलों को, जैसे आप लोग बनाते हैं नॉर्मली। आज यहाँ बड़ी बारिश हुई और मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा हो गया। हम लोगों के लिए तो ये चीज़ें बड़ी आम सी चीज़ें हैं, हम लोग गर्मियों का बड़ा इंतज़ार करते हैं कि गर्मियाँ आए, और समझे एक आध हफ्ते की आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं उसी के अंदर, फिर से दोबारा वही सर्दियाँ। चले जी, इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।